अमेरिका में रात को जब कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि उसको भूख लग रही है। जापान में जब कोई कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि कोई चोर आया है। और भारत में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि पक्का इसको किसी की आत्मा नजर आ रही है। अमेरिका में जब मेहमान घर पे आते हैं तो अमेरिकन बच्चे उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें खाना पूछते हैं और जब वो मेहमान चले जाते हैं तो वो सारा सामान संभाल के अपने कामों में लग जाते हैं। और जब भारत में मेहमान आते हैं तो इंडियन बच्चे उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें खाना पूछते हैं और जब जाने का टाइम आता है तो वो उनको फटाफट अलविदा करने की कोशिश करते हैं कि कब ये मेहमान जाए और हम इस नाश्ते पे टूट पड़े। तो आप बताइए दोस्तों, आपके घर में भी ऐसा होता है? अमेरिका में जब रात को बच्चा वॉशरूम जाने के लिए उठता है और जब उसे भूतों से डर लगता है तो अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डर का सामना करते हुए जैसे तैसे वो वॉशरूम तक पहुंच जाता है। जापान में जब कोई बच्चा रात को वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वो अपना भूतों से डर भगाने के लिए कराटे और जूडो के एक्शन करता हुआ वॉशरूम तक पहुँचता है। और इंडिया में जब कोई बच्चा रात को वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वो अपना भूतों से डर भगाने के लिए राम 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 का जाप करते हुए वॉशरूम तक पहुंच जाता है।